प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने समय आपके बीच में आने का फजल बख्शा है। मेरे अजीजों, आज हम एक वचन पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, लूका की अजील, उसका 24 अध्याय, उसका 34 वचन। लूका 24 और उसका 34 वचन पढ़ेंगे हम। यहाँ पर लिखा है, वह कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमोन को दिखाई दिया है। मेरे अजीजों, मैं इसमें से एक ही बात को लूंगा, प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु सच में जी उठा है। तो मेरे भाई बहन, आज देखते हैं, आज हम ईस्टर है, आज का दिन ईस्टर है और लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। पिछले दिनों में गुड फ्राइडे गया, लोगों ने वाइट कपड़े पहने, मतलब बहुत अफसोस के साथ चले फ्राइडे के दिन। और आज ईस्टर है, आज के दिन वो बोलते हैं कि प्रभु यीशु जी उठा। देखिए अजीज मेरे भाई बहन, मैं इस बात पर सहमत हूँ, हमारा प्रभु यीशु मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा। और इधर हम भी वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वचन मैंने पढ़ा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु सचमुच जी उठा है। लेकिन आज भी कई लोगों को शक है, कई लोगों को क्या है, शक है, उन्हें विश्वास नहीं है इस बात का कि प्रभु सचमुच जी उठा है। इसलिए तो वो हर साल इसी महीने में उसे फ्राइडे को क्रूस के ऊपर चढ़ा देते हैं और तीसरे दिन उसको मुर्दों में से जिला देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस लिखे हुए वचन के ऊपर क्या नहीं आ रहा, विश्वास नहीं आ रहा। तो मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में काफ़ी लोगों को ये दिन बहुत याद आता है, लेकिन मैं बात करता हूँ, हमारे लिए हर दिन उचित है क्योंकि परमेश्वर ने हर दिन सृष्टि किया है। इसलिए मेरे लिए हर दिन बहुत उचित है, मैं हर दिन को अच्छा मानता हूँ। इसलिए मेरे भाई बहन, मुझे परमेश्वर ने इस सच्चाई को मेरे ऊपर प्रकट किया और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे वचन है, वह सचमुच जी उठा है। यानी कि आज जो लोग ये कर रहे हैं, जो ईस्टर गुड फ्राइडे मना रहे हैं, उन्हें अभी तक ये यकीन या ये विश्वास नहीं आया कि वो जी उठा है। जिसे ये विश्वास है उसके लिए वो पहले से जी उठा है और आज वो मेरे अंदर है, वो आज मेरे अंदर जीवित है। इसलिए मेरे भाई बहन, मेरे लिए वो आज के दिन जी उठा नहीं है, वो आज से 2000 साल पहले जी उठा है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मेरे भाई बहन, आप अगर सत्य से दूर है, आप एक धोखे में चल रहे हैं, आप एक अंधकार में चल रहे हैं, आप एक रिवाज पूरा कर रहे हैं। कुछ मसीहों को हम देखते हैं वो सारा साल चर्चों में नहीं आएंगे, लेकिन गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस डे के ऊपर ही वो चर्च में घुसते हैं, क्योंकि उनको वही दिन याद आते हैं, उनके लिए वही दिन जरूरी है। लेकिन मेरे भाई बहन, मैंने आपको पहले बताया कि मेरे लिए वो दिन जरूरी नहीं, मेरे लिए हर एक दिन परमेश्वर ने जो दिया है वो जरूरी है। मैं हर दिन परमेश्वर को उसका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हर दिन उसी ने बनाया, वो पवित्र है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे अजीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि आप इस सत्य से अपना मुंह मत फेरे। वो सच्चा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो आज नहीं जिएगा, वो पहले से जी उठा है, वो आज भी जीवित है, वो आज भी जीवित है। लेकिन आप उसको हर साल मारते हो, हर साल उसको जिंदा करते हो, यानी कि आप अभी तक सत्य से दूर हैं, आप इस वचन पर विश्वास नहीं करते जो इस बाइबल में लिखा है। वह कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया है। प्रभु सचमुच जी उठा है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, वो सचमुच जी उठा है। लेकिन मेरे भाई बहन, लेकिन कुछ लोगों के अंदर अभी भी शक है, कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। वो ईसाई उसे क्या करते हैं, वो सोचते हैं शायद आज जिंदा होगा, लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो सचमुच जी उठा है, वो जी उठा है। मेरे भाई बहन,
यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग ये ना सोचे कि ये गलत है, गलत नहीं है, वचन सत्य है। अगर आप इसको मानेंगे तो आपके ऊपर आशीष है, क्योंकि प्रभु के वचन में अनाज्ञाकारी करना पाप है, वचन के विरुद्ध चलना पाप है, वचन के उल्ट चलना पाप है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप तक ये सच्चाई पहुंचे, ये सत्य पहुंचे, ये सत्य मुझ पर पहुंचा, कई और मेरे भाई बहनों तक पहुंचा, और भी चाहते कि औरों तक भी पहुंचे। इसलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। माराना था।